Social media is an important platform for everyone to communicate and share their ideas with the world. Someone likes to write, someone likes to read, someone likes to post, and someone likes to like. Someone likes to use, while someone likes to abuse. Social media is a platform used by the masses, and this family is increasing day by day as thousands of people make their accounts on a daily basis. Facebook and Instagram are popular social media platforms. Each have millions of users registered. All these platforms have different uses, but one thing is common: the profile. Each platform, the user is supposed to write a name, username, a short bio, and a profile picture. The profile picture is the area of concern. All of these platforms, it is often seen that boys use their own pictures on social media platforms most of the time. But it is prevalent fashion among the girls to use the aesthetic objects, celebrities, models, anime dolls, or fictional characters as their profile pictures. Most female profiles are private in Pakistan. Public female profiles are hardly seen on social media, where girls upload their pictures without any hesitation. Our society is not grown up. Our parents most of the time allow us to post our pictures on social media. Or if we do it, there are so many threats that it becomes difficult for us. If we post our pictures on social media, पुट कर देते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि वो कॉपी हो जाती है, रॉन्ग पर्पज़ के लिए लोग यूज़ कर लेते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स को स्पेशली ये रिग्रेट्स होते हैं कि अगर हमारी फैमिली ने देखे तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं. इसलिए आई एम अफ्रेड बिकॉज अभी भी लोगों के ऐसे ही माइंड सेट हैं कि क्रिमिनल माइंड, लाइक जैसे लोग किसी भी चीज़ को हैक करते हैं, लोग यूज़ करते हैं, मिसाइल बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है. हम लोग अपनी पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करते क्योंकि वायरल हो जाती हैं, लोग उसका मिस यूज़ करते हैं और हमारी सोसाइटी में अच्छा भी नहीं समझा जाता. डिजिटल मीडिया पर मुझे लगता है कि खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे डू नॉट फील दैट डिजिटल मीडिया इज सेफ फॉर देम. असल प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग ट्रस्ट नहीं किए जा रहे, या एनवायरमेंट ट्रस्ट नहीं किया जा रहा. अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि एनवायरमेंट अगर डिजिटल का ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि रिजीम या जो गवर्नमेंट वाली साइड है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन वाली साइड है, जो जिन्होंने इस एनवायरमेंट को सेफर बनाना था, उन्होंने इसके ऊपर कितना काम किया. तो मुझे लगता है कि डिजिटल के ऊपर अभी हम बहुत पीछे हैं. इस वाली साइड पर हम शायद नहीं दे पाए अभी तक ख्वातीन को डिजिटल के ऊपर सेफर एनवायरनमेंट हम नहीं दे पाए. मेरा ख्याल है कि हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इदारों को काम करने की ज़रूरत है, और लोगों के रवैये तब्दील करने की ज़रूरत है. दोनों एंड से है, रिजीम वाली साइड से भी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन साइड है वो वाली, प्लस लोगों की तरफ से भी. ये हमारा सोशल बिहेवियर भी हमारा कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि जिसमें हम केयर नहीं करते. खातीन को स्पेस देना मिलना चाहिए और दिया जाना चाहिए, और सेफर एनवायरनमेंट उनको ऑफर होना चाहिए. हम तस्वीरों के हवाले से बात करते हैं. आजकल जो बहुत कॉमनली एक चीज़ हो रही है कि दो चीज़ें, एक तो ये कि बहुत ज़्यादा तस्वीर को जो है अपलोड किया जाने लग गया है, और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि कुछ लोग बहुत हेसिटेट होते हैं, उन पर कोई इस तरह से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, बट उसके बावजूद वो बहुत हेसिटेट करते हैं. इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं. नंबर एक, या तो वो अपने लुक्स के हवाले से कुछ कॉन्फिडेंट नहीं होते, या उनको लगता है जो स्पेशली दूसरों की पिक्स अपलोड करते हैं रिक्वेस्ट लेने के लिए या अटेंशन लेने के लिए, वो दूसरों की फेक पिक्चर्स ले लेते हैं और अपनी आईडी पे पुट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक क्राइम भी कंसीडर किया जाता है. बिकॉज किसी की किसी का कॉन्सेंट लिए बगैर उसकी पिक्चर अपलोड करना इट्स टोटली अ क्राइम. हमें इस चीज़ को भी कैटर करना चाहिए कि जिसके हम अपलोड कर रहे हैं उसके भी बैकग्राउंड को हमें थोड़ा देखना चाहिए कि उसके लिए भी कोई इश्यूज़ हम बना सकते हैं. इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लगा रहे हैं, उनमें भी अगर हम देखा जाए, हम देखें तो बहुत ज़्यादा अटेंशन लेने के लिए या बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन लेने के लिए कंटिन्यूसली हर दूसरे दिन या हर वक्त अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर शेयर करना, ईच एंड एवरी डिटेल, तो इस चीज़ में भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखें तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे आता है कि पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर देखा जाता है. इट्स नॉट ओनली अबाउट द फीमेल प्रोफाइल्स, इवन बॉयज आर हेजिटेंट इन अपलोडिंग द पिक्चर्स ऑफ देयर फीमेल फैमिली मेम्बर्स. When Instagram started, it tries to secure the pictures of its users by not providing any download link, but this strategy couldn't last. The screenshot feature ruined it. The real problem is with us. We judge people, label them as incorrect, assuming us to be standing at the only possible correct position.
Despite having cyber crimes laws, girls are hesitant to use their pictures as a profile. What can possibly go wrong with the picture? Privacy अगर कोई breach करता है तो उसकी सजा बाकायदा मौजूद है कानून इस वक्त बने हैं कुछ अर्सा पहले बने हैं कानून लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा उनको लेके कौन चलेगा लोगों को बताएगा कौन की कानून मौजूद है फिर इस कानून के ऊपर लोगों का ट्रस्ट कैसे कायम होगा ये जब तक कानून एक्सरसाइज नहीं होते जब तक कुछ एग्जाम्पल्स सेट नहीं कर दी जाती जब तक कुछ प्रेसिडेंट सेट नहीं कर दी जाती तब तक मेरा ख्याल है कि ये लोगों को इस बात का यकीन नहीं होगा ऐसा ऐसा होगा ग्रेजुअली होगा और बहुत स्लो होगा उसकी रीजन ये है कि ये सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन वाली साइड नहीं इसमें सोशल साइड ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है क्योंकि डिजिटल ज्यादा सोशल हो रहा है इस वक्त जिसकी वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है अपॉन दिस एंटायर पैराडाइम वो शेकन है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ डेवलप होगा और चीजें बेहतर होंगी मेरा ख्याल है कि टाइम लगेगा इसको अभी द क्वेश्चन इज विद द स्क्रीनशॉट टेक्नोलॉजी इज देयर एनी वे टू स्टॉप समवन फ्रॉम सेविंग योर पिक्चर्स कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो सेफर है वो ऑफर करते हैं कि उनके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी जगह पे और यूज नहीं हो रही हो उनकी ब्रीच नहीं हो रही हो ब्रीच होती है और अगर रिपोर्ट कर दिया जाता है तो वो फौरन उसके ऊपर एक्शन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्विटर को ये एडवांटेज है कि ट्विटर के ट्विटर यूज करते हुए आपको एडवांटेज होता है कि अगर आपकी प्राइवेसी उसके ऊपर ब्रीच हुई है किसी ने आपको कोई तंग किया है किसी ने तो आप रिपोर्ट कर देते हैं ट्विटर को और वो बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल करते हैं वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं चीजों को अकाउंट्स को डिलीट कर देते हैं मतलब इस हद तक होता है तो कोशिश ये करें कि जो एप्स या जो एनवायरमेंट आप यूज करने जा रहे हैं डिजिटल का वो ऑथेंटिक होना चाहिए जो आप यूज कर रहे हैं सबसे पहली बात हुई है दूसरा ये कि अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो दोनों एंड पे जेंडर के दोनों एंड पे मैं समझता हूँ वो मेल हो या फीमेल हो अनड्यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आपकी डिजिटल के ऊपर रख के ये तवक्को करना है कि ये बहुत सेफ है मेरा ख्याल है कि ये काम करना ख्याल है डिजिटल के ऊपर कुछ सेफ नहीं है यानी द डेटा दैट यू अपलोडेड टू योर सिस्टम्स इज नो मोर सेफ दैट इज नो मोर योर्स सो मैं ये समझता हूँ कि वो डेटा जो आपने अपलोड कर दिया है वो बेशक आप मेल है या फीमेल है वो डेटा आपका सेफ नहीं है वो इन एनी केस किसी भी वक्त किसी के भी हाथ आ सकता है सो बेहतर यह है कि आप अपनी जो प्राइवेसी या प्राइवेट जो डेटा है या जो चीजें हैं उनको आप अपने तक महदूद रखें अपने पास रखें डिजिटलाइज करेंगे तो वो सेफ नहीं होंगी ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है With the growing population on the social media, it is the responsibility of the developers of social media apps to tackle the issue of privacy. It is their responsibility to provide a solution to this problem and improve the security features to enhance the online interaction experience of its users.